वेलकम विद्यार्थियों। विराम चिन्ह में हमने छह विराम चिन्ह जो है वो पढ़ लिए थे। आज हम एक सातवां विराम चिन्ह है योजक चिन्ह, उसको हम देखते हैं। विद्यार्थियों, योजक चिन्ह जो है, योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है और इसका चिन्ह यह है, ये हम पढ़ेंगे। दो शब्दों को जोड़ने के लिए तथा द्वंद्व तत्पुरुष समास में दो शब्दों को जोड़ने के लिए तथा द्वंद्व व तत्पुरुष समास में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह की हमने पहले विशेषता क्या देखी कि दो शब्दों के लिए, दो शब्दों को जोड़ने के लिए तथा द्वंद्व और तत्पुरुष समास में योजक चिन्ह जो है उनका प्रयोग किया जाता है। दो शब्दों को जोड़ने के लिए और द्वंद्व व तत्पुरुष समास में योजक शब्द चिन्ह का जो है वो प्रयोग किया जाता है। जैसे माता पिता, दिन रात। जैसे हमने देखा माता पिता, दिन रात, सुख दुख, सुख दुख, आना जाना। योजक चिन्ह की हमने परिभाषा देखी। योजक चिन्ह जो है उसकी पहली विशेषता हमने क्या देखी कि दो शब्दों को जोड़ने के लिए तथा द्वंद्व व तत्पुरुष समास में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह की पहली विशेषता हमने देखी कि दो शब्दों को जोड़ने में, दो शब्द हैं उनको जोड़ने में तथा द्वंद्व व तत्पुरुष समास में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में हमने देखा माता पिता, दिन रात, सुख दुख, आना जाना आदि। तो विद्यार्थियों, हम योजक चिन्ह की जो दूसरी विशेषता है वो देखते हैं कि पुनरुक्ति जो भी शब्द है पुनरुक्ति शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पुनरुक्ति शब्दों में, यानी कि ऐसे शब्द जो बार बार आ रहे हैं, जैसे डाल डाल है, डाल डाल है, पात पात है, जैसे डाल डाल, पात पात, धीरे धीरे, घर घर आदि। तो पुनरुक्ति जो शब्द हैं, डाल डाल, पात पात, धीरे धीरे, घर घर आदि, पुनरुक्ति शब्दों में भी योजक चिन्ह जो है उसका प्रयोग किया जाता है। तो हमने देखा योजक चिन्ह की दूसरी विशेषता कि पुनरुक्ति जो शब्द हैं, डाल डाल, पात पात, धीरे धीरे, घर घर आदि, उसमें भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तीसरी जो विशेषता है वो देखते हैं कि तुलनात्मकता, तुलनात्मकता, सा और सी। तुलनात्मकता में हमने क्या देखा कि सा और सी के पहले
तुलनात्मकता सा सी के पहले योजक चिन्ह का प्रयोग। तुलनात्मकता सा सी के पहले योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे तुलनात्मकता सा सी के पहले जो है वो योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे हम बात करें भारत सा देश, भारत सा देश। दूसरा देखें हिमालय सा पर्वत, आगे हम देखें तीसरा देखें भरत सा भाई, चौथा देखें सीता सी, तो सा और सी, सास और सी, इनसे पहले तुलनात्मक जो सा सी हैं उनके पहले योजक चिन्ह जो है उसका प्रयोग किया जाता है। भारत सा देश, भरत सा भाई, हिमालय सा पर्वत, सीता सी पत्नी, सीता सी बेटी, सीता सी बहन, इस प्रकार से। तो इसमें तुलनात्मक सा सी से के पहले जो है वो योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं चौथे नंबर की जो विशेषता है, अक्षरों में लिखी जाने वाली संख्या जो होती है, चौथी इसकी एक विशेषता और देखते हैं। अक्षरों में लिखी जाने वाली, अक्षरों में लिखी जाने वाली संख्याओं के बीच भी योजक चिन्ह का ही प्रयोग किया जाता है। अक्षरों में लिखी जाने वाली जो भी संख्याएं हैं उन संख्याओं के बीच में हम किसका प्रयोग करेंगे, योजक चिन्ह का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे हम बात करें अक्षरों में, जैसे एक चौथाई, जैसे एक दूसरे, एक चौथाई आदि, एक दूसरी, एक चौथाई आदि, हम इसमें हमने देखा कि एक दूसरी एक चौथाई। तो विद्यार्थियों योजक चिन्ह हमने पढ़ा, योजक चिन्ह की चार नियम भी हमने देखे। पहला नियम हमने देखा कि दो शब्दों को जोड़ने के लिए तथा द्वंद्व व तत्पुरुष समास में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नंबर वन विशेषता देखी, दो शब्दों को जोड़ने के लिए द्वंद्व व तत्पुरुष समास जो है उसमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, जैसा माता पिता, दिन रात, सुख दुख, आना जाना आदि। दूसरी इसकी विशेषता हमने देखी कि पुनरुक्ति शब्द जो है, जैसे ऐसे शब्द जो बार बार आ रहे हैं, जैसे कनक कनक दिन रात, कनक कनक डाल डाल, पात पात धीरे धीरे, घर घर आते, तो पुनरुक्ति जो शब्द हैं उनमें भी योजक चिन्हों का प्रयोग किया जा रहा है, डाल डाल, पात पात, धीरे धीरे, घर घर आते। तीसरे में हमने देखा तुलनात्मक जो सा सी उनसे पहले योजक चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे भारत सा देश, हिमालय सा पर्वत, भरत सा भाई, सीता सी पत्नी। अब आगे देखते हैं हम अक्षरों में लिखी जाने वाली जो भी संख्याएं हैं उन संख्याओं के बीच में भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो योजक चिन्ह के चार विशेषताएं विद्यार्थियों हमने देखी। अब जो आठवां चिन्ह देखे वह है विवरण चिन्ह। आठवां चिन्ह जो है वह है विवरण चिन्ह।
आठवां जो है वह है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह जो है विद्यार्थियों, जब किसी कही हुई बात, यानी कि जब कोई भी बात को हम कहते हैं, कही हुई बात को स्पष्ट करने या उसका विवरण प्रस्तुत करने के लिए वाक्य के अंत में इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है। यानी कि कोई भी बात है उसको कहने के लिए या उसका विवरण करने के लिए, वर्णन करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अपन बात करें, जैसे निम्नलिखित शब्दों की व्याख्या कीजिए, जैसे हम बात करें निम्नलिखित शब्दों की व्याख्या कीजिए, संज्ञा सर्वनाम, जैसे ये है निम्नलिखित शब्दों की व्याख्या कीजिए, जैसे संज्ञा सर्वनाम, नंबर वन है संज्ञा, ऐसे करके किसी व्यक्ति वस्तु, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान जानवर गुण, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान जानवर गुण आदि को, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान जानवर गुण आदि को, आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। कहने का मतलब है कि ये तो चिन्ह है, ये जो पॉइंट होता है उसकी व्याख्या करता है। जैसे किसी व्यक्ति वस्तु स्थान जानवर गुण धर्म आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, और सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर काम आने वाली शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम हमने लिख दिया, और सर्वनाम की परिभाषा लिखना कि किसी व्यक्ति संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम में कहते हैं। तो विद्यार्थियों ये जो चिन्ह है, इस चिन्ह को हम विवरण चिन्ह के नाम से जानते हैं, और विवरण का मतलब होता है विवरण करना, व्याख्या करना। आगे हम जो अगला जो चिन्ह है उसकी चर्चा करते हैं। अगला जो चिन्ह है विवरण चिन्ह के आगे है हंस पद चिन्ह। हंस पद चिन्ह नोवा है, हंस पद चिन्ह हंस पद चिन्ह जो है बिल्कुल सीधा और सरल सा है। इसे विद्यार्थियों विस्मरण चिन्ह भी कहते हैं। इसे विस्मरण चिन्ह भी कहा जाता है। हंस पद जो चिन्ह है इसको विस्मरण चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रयोग कहां किया जाता है कि जब हम कोई वाक्य लिख रहे होते हैं। हंस पद चिन्ह का प्रयोग कहां किया जाता है, जब हम कोई वाक्य लिखते हैं और लिखते लिखते कुछ शब्द छूट जाते हैं, और उन शब्द और ऐसे शब्द छूट जाते हैं, अगर वो शब्द उस वाक्य में नहीं लिखे जाते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। यानी कि पूरा का पूरा काम जो है या पूरी की पूरी जो बात है वो ही विपरीत हो जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मुझे आज जयपुर जाना है। जैसे एक वाक्य है मुझे आज जयपुर जाना है,
और विद्यार्थियों हम लिखना चाह रहे थे कि मुझे आज जयपुर नहीं जाना है, मुझे आज जयपुर जाना है, लिख दिया। और हमें लिखना क्या था कि मुझे आज जयपुर नहीं जाना है, तो हम क्या भूल गए? नहीं को भूल गए। मुझे आज जयपुर, तो विद्यार्थियों इस हंस पद जो चिन्ह है उसका प्रयोग कहां किया जाता है कि दो शब्दों के बीच में जिस शब्द की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम शब्द लिखते हैं या फिर कोई छोटा सा वाक्य भी लिखा जा सकता है, जैसे हमने ये लिख दिया मुझे आज जाना है तो जयपुर नहीं, दो शब्द रह गए जयपुर नहीं जाना है। तो पहले तो हम नहीं का बताएंगे कि जैसे है मुझे आज जयपुर जाना है, लिख दिया, लिखना था मुझे आज जयपुर नहीं जाना है, तो हमारा जो शब्द है कौन से दो शब्दों के बीच में आएगा उसको हमें सबसे पहले चुनना है। तो हमें लिखना है कि मुझे आज जयपुर, यहां तक तो ठीक है, इन दोनों के बीच में गड़बड़ हो गई कि नहीं लिखना है। तो विद्यार्थियों इन हर विद्यार्थी जो होता है अक्सर लिखता है तो गैप देता है, जैसे इसे विस्मरण चिन्ह भी कहा जाता है, तो इनके बीच में ये गैप है ना, ये तो इसमें भी गैप है, मुझे आज जयपुर जो गैप है उसके बीच में ये चिन्ह लगा करके यहां हम लिख देंगे नहीं, मुझे आज जयपुर नहीं जाना है। ये चिन्ह विस्मरण चिन्ह है, इस चिन्ह को लगा करके ये लिख देते हैं, इसमें भी एग्जामिनर नंबर नहीं काटता है। लेकिन कुछ विद्यार्थियों के की कलाकारी जो है वो हमें बहुत पसंद आती है। कुछ विद्यार्थी देखो क्या कलाकारी करते हैं, जैसे लिखना है मुझे आज जयपुर जाना है और लिखना है नहीं, तो नहीं भूल गए ना, तो ये डिजाइन लगा कर कैसे, या फिर यहां से ऐसे तीर का निशान करके ऐसे, या फिर इसके आगे, या फिर ऐसे, ये डिजाइन लगा करके यहां लिखते हैं, ये बिल्कुल ही गलत विधि है। दूसरा तरीका ये है, एक तो हमने ये लिख दिया, दूसरा ये है कि अब आपको बताने के बाद में भी आप क्या गलती करते हैं, मुझे आज जयपुर जाना है। अब विद्यार्थी क्या गलती करता है, मैंने आपको बताया कि इन दोनों के बीच में ही चिन्ह लगाना है, और यहां क्योंकि अपनी जो कॉपी होती है उसमें लाइनें होती हैं, तो यहां हम आसानी से नहीं लिख सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, ये डिजाइन नीचे उतार देते हैं यहां और यहां लिखते हैं नहीं। नहीं विद्यार्थियों, जो वाक्य होता है, जो हमारा जो वाक्य होता है, उस वाक्य के जिस जगह हम जो शब्द छोड़ देते हैं उसके ऊपर ही हमें लिखना है, नीचे चिन्ह का प्रयोग नहीं करना है। तो ये जो विधि है हमारी नहीं वाली, ये ही सही है। इस तरीके से हम वाक्य का चुनाव करके लिखते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ वाक्य भी हम भूल जाते हैं, ऐसा नहीं कि, लेकिन इतना बड़ा भी अपने को वाक्य नहीं लिखना है। जैसे हमें लिखना है, दूसरा है मुझे आज जाना है, तो हमने लिखा मुझे आज जाना है, तो हम लिख रहे हैं जयपुर जाना है, मुझे आज जयपुर नहीं जाना है, मुझे आज जयपुर नहीं जाना है। तो जयपुर और नहीं दो शब्द हमने छोड़ दिए, कौन कौन से, मुझे आज जयपुर नहीं जाना है। उस कंडीशन में भी हम क्या लिखेंगे, मुझे आज, कई बार क्या होता है कि विद्यार्थी एक शब्द नहीं दो तीन शब्द छोड़ देता है, यानी कि वो वाक्य का ही रूप हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी हम ऊपर लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं लिखना है कि लिखा तो हमने है मुझे आज जाना है और इसे भी बड़ा वाक्य ऊपर लिख रहे हैं, ऐसा नहीं लिखना है। एक दो शब्द या छोटा मोटा वाक्य जो है वही हम इस चिन्ह का प्रयोग करके लिखें तो ज्यादा अच्छा है। मुझे आज जाना है, अब लिखना है मुझे आज जयपुर
नहीं जाना है मुझे आज, तो इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो एग्जामिनर जान जाएगा कि ये विद्यार्थी कुछ लिखना चाह रहा था और लिखते समय इससे कुछ शब्द या कोई छोटा वाक्य छूट गया है, इसलिए इसने इस हंस पद चिन्ह का प्रयोग करके वो शब्द या वो छोटा वाक्य ऊपर लिख दिया है। ये इसका प्रयोग हम सुधारात्मक दृष्टि से कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, 9 नंबर का जो वाक्य है हंस पद चिन्ह वो हमने पढ़ा। अब 10वां देखते हैं हम। 10वां जो है वह है समता या तुलना सूचक चिन्ह। समता या तुलना सूचक चिन्ह, समता या तुलना सूचक समता या तुलना सूचक चिन्ह, तुलना सूचक चिन्ह जो है यानी कि किसी शब्द के समान अर्थ बतलाने, समान मूल्य या मान का बोध कराने हेतु, किसी भी शब्द के समता या तुलना सूचक चिन्ह में हमने क्या लिखा, किसी शब्द के समान अर्थ बताने, किसी शब्द के समान अर्थ बताने, समान मूल्य या मान का बोध कराने हेतु, समान मूल्य या मान का बोध कराने हेतु क्या किया जाता है, समान अर्थ बताने, समान मूल्य या मान का बोध कराने हेतु इस चिन्ह का प्रयोग जो है वो किया जाता है, इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। तो विद्यार्थियों, ने परिभाषा क्या देखी इसकी, कि किसी शब्द के समान अर्थ बताने, समान मूल्य या मान का बोध यानी कि ज्ञान कराने हेतु इस चिन्ह का जो है वो प्रयोग किया जाएगा, किया जाता है। जैसे 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपया बराबर 100 पैसे, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। उसी प्रकार भानु, भानु बराबर है सूर्य, भानु बराबर है सूर्य। तो विद्यार्थियों, इसका प्रयोग जो है समता या तुलना सूचक चिन्ह का प्रयोग जो है वो किसी शब्द के समान अर्थ बताने, समान मूल्य का मूल्य या मान का बोध कराने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग जो है वो किया जाता है। एग्जाम्पल में हमने देखा 1 रुपया बराबर 100 पैसे, भानु का अर्थ होता है भानु बराबर सूर्य, भानु को भी हम सूर्य कहते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हमने विराम चिन्ह 10 विराम चिन्ह तक पढ़ लिए और बाकी के जो भी मुख्य मुख्य विराम चिन्ह है उनके साथ कल से अगले क्लास में फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।